पूरे देश में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। देवी मंदिर सज चुके हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियातन मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में एंट्री दी जा रही है। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर के प्राचीन नागणेची माता मंदिर, जो 530 साल पुराना है, इस मंदिर को बीकानेर के महाराजा रहे राव बीकाजी की तरफ से स्थापित किया गया था। ये मंदिर अपने स्थापत्य कला को लेकर भी हमेशा चर्चित रहा है। इस मंदिर की जो निर्माण इसका किया गया है, जो तरीका इसको निर्मित करने का है, वो अपने आप में खास पहचान है इसकी। चलिए हमारे संवाददाता केके सिंह हैं, जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे आज नवरात्रियों के दूसरे दिन को लेकर कैसा प्रतीत उन्हें हो रहा है, माहौल क्या नजर आता है और लोगों में कैसा आपने आज के इस पर्व को लेकर उत्साह उन्हें दिखता जानने की कोशिश करेंगे। केके सिंह बताइए। नवरात्र पर्व की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के नागणेची मंदिर, जो कि अति प्राचीन मंदिर है। 530 साल पुराना यह मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ है। आपको बताना चाहूंगा कि विश्व प्रसिद्ध वैष्णोकर्णी माता मंदिर पूरी तरह से बंद है। वहाँ पर श्रद्धालुओं की एंट्री भी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन बीकानेर शहर के इस अति प्राचीन मंदिर को खोला रखा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर मंदिर, तो हम आपको मंदिर के दर्शन करवाना चाहेंगे, मूर्ति के दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार जो माता का जो रूप है वो निकल के सामने आ रहा है। वहीं पर लोग भी बराबर हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि अब थोड़ी थोड़ी धूप होती जा रही है, लोग अपने कामकाजों पर भी जाते हैं। लेकिन बराबर देखिए जो लोग हैं, बराबर देखिए आप महिला हो पुरुष हो, बराबर एक तरह से क्रम में बराबर यहाँ पर पहुंचे जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे इन लोगों से ही, पूछना चाहेंगे क्या नाम है पंडित जी आपका? विकास जी बताएं क्या कहेंगे यहाँ पर आज सुबह से, किस तरह से लोगों का आवक जावक है? दूसरा दिन है आज, क्या क्या मंदिर में किस तरह से आप एंट्री का वो रख रहे हैं, बिना मास्क वगैरह? चलिए क्योंकि थोड़ा सा पंडित जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने तस्वीरें दिखाई हैं और एक ऐसे भव्य प्राचीन मंदिर की तस्वीरें दिखाई हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि नवरात्रियों के पर्व में लगातार लोगों का आना जारी है और ऐसे पुराने प्राचीन पुराने मंदिर जो दशकों पुराने हैं, सदियों पुराने मंदिर हैं, उनकी छटा आजकल बड़ी खास देखने को मिल रही है।